और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतने अच्छे नंबर्स आपने Q3 में दिए हैं. पहले ओवरऑल नंबर्स के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें. थैंक यू सो मच। इनफैक्ट Q3 एक अच्छा क्वार्टर रहा। पहले भी जो Q2 और Q1 भी अच्छे क्वार्टर रहे हैं। इसमें जो टॉप लाइन की जो आपने बात कही, तो राइटिंग प्रिंटिंग पैकेजिंग एंड कोटेड पेपर तीनों सेगमेंट इस क्वार्टर में डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रहे हैं, और प्राइस भी राइटिंग प्रिंटिंग पेपर के प्राइस अच्छे रहे हैं। ऑफ लेट लेकिन दिसंबर से पैकेजिंग बोर्ड और कोटेड पेपर के प्राइस में गिरावट देखी गई है। ये क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड में प्राइसेस ड्रॉप हो रहे हैं, तो उस वजह से इस दो कैटेगरी में प्राइस ड्रॉप जरूर हुआ है। लेकिन ओवरऑल NSR करीब करीब 26 से 28% बढ़ा है और वॉल्यूम करीब 30 से 32% बढ़ा है, इसलिए आप 59% टॉप लाइन की ग्रोथ देख पा रहे हैं। ओके. तो आपको क्या लगता है कि कैसे आप Q4 एंड करेंगे? Q4 में वॉल्यूम वाइज तो ब्रॉडली ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन कोटेड पेपर और पैकेजिंग बोर्ड का NSR ड्रॉप जरूर हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट जरूर टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों पर पड़ेगा। डिमांड पर से आपने कहा कि एक काफ़ी अच्छा डिमांड रहा है ओपन अप के बाद. कैसे आप वो डिमांड प्रोग्रेस होते देख रहे हैं डोमेस्टिकली, एटलीस्ट अगर जो राइटिंग प्रिंटिंग के बारे में अगर हम पूछे तो, और डोमेस्टिकली ओवरऑल डिमांड आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, राइटिंग प्रिंटिंग की जो डिमांड है डोमेस्टिक मार्केट में काफी रॉबस्ट है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए जितना सारा प्रिंटिंग और पब्लिकेशन चल रहा है उसकी डिमांड है। ऑफिसेस बैक टू नॉर्मल हुए हैं, तो ऑफिस पेपर की डिमांड भी अच्छी है, तो ये कैटेगरी ठीक चल रही है। पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड अच्छी थी, लेकिन अभी ऑफ लेट खाली पिछले एक महीने से ऐसा लगता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो जर्नी है उनका कुछ एक्सपोर्ट कम हुआ होगा, या क्योंकि ये सीजन भी ये थोड़ा सा Q3 फार्मा इंडस्ट्री के लिए डाउन होता है, तो पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड थोड़ी जरूर कम हुई है। लेकिन हमें उम्मीद है कि पैकेजिंग जो सेक्टर है वो अच्छा चलेगा और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और ओवरऑल पेपर इंडस्ट्री के लिए मैं कहूँगा कि ये साल 22-23 तो करीब करीब 6 से 8% ग्रोथ वाला है, एंड गोइंग फॉरवर्ड भी 5 से 6% ग्रोथ होनी चाहिए। सही है. क्योंकि हम एक पेपरलेस इकोनॉमी की बात करते हैं. बहुत सारा पेपरलेस पे हमने ध्यान दिया है. वो देख के भी हम देख रहे हैं कि एक रोबस्ट ग्रोथ देखा है. आगे चल के पेपर इंडस्ट्री एज अ होल आपको क्या लगता है कि कैसे बढ़ सकती है? क्या प्रीडोमिनेंस रहेगा पेपरलेस इकोनॉमी का, कि पेपर्स तो चाहिए ही होते हैं एक्चुअली? देखिए, जो हम पेपर लेस की बात करते हैं ये एक थोड़ा सा मिसनॉमर है। ये नैरेटिव्स हैं कि पेपर लेस कर देंगे। हाँ, लेस पेपर कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन हम तो इतना कम पेपर अभी हिंदुस्तान में यूज करते हैं, तो इसका लेस होने की गुंजाइश मुझे बहुत कम लगती है, क्योंकि पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया का अभी भी 15 किलो है, जबकि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है या अपने एशिया के जो कंट्रीज हैं वहीं 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, चाइना 55 किलो, ग्लोबली इतना अच्छा कंजम्पशन होता है। और देखिए, नए यूजेस पेपर के बहुत हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि पेपर की कोई डिमांड इंडिया में कम होगी अगले 10 साल तक। और अभी आगे जाके एक लास्ट क्वेश्चन, मार्जिन पे कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे नेक्स्ट क्वार्टर के लिए? देखिए, नेक्स्ट क्वार्टर में मार्जिन सर्टेनली, ये क्वार्टर बहुत अच्छा रहा है, इस लेवल के मार्जिन नेक्स्ट क्वार्टर में नहीं हो सकते। इनपुट कॉस्ट तो स्टेबल है, लेकिन सेलिंग प्राइसेस के ऊपर प्रेशर रहेगा अगले क्वार्टर में कुछ हद तक, तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। जी.